बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ गरारे की वीडियो शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। आजकल गर्मियों में ईद का सीज़न है तो बच्चियां बहुत शौक से गरारा बना रही हैं जो कि काफ़ी खुले फ्लेयर के साथ होता है। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसके पीसेस कट कर लिए हैं। तो ये मैं 3.5 मीटर कपड़े में बना रही हूँ। आप इससे खुला रखना चाहें तो आप ज़्यादा कपड़े बना सकते हैं। तो ये जो ऊपर आसन वाला हिस्सा है, इसकी मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितनी रखी है। तो इसको मैंने टोटल तकरीबन 22.5 इंच के करीब रखा है और इस साइड से इसकी जो चढ़ाई है वो 17 इंच है। यहाँ पर मैं 1.5 इंच लास्ट के लिए निशान लगा दूँगी और यहाँ से मैं 14 इंच मैनी का निशान लगाऊँगी। तो गरारा जो होता है वो यहाँ से भी खुला रखा जाता है और आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा खुला ट्रेंड में है। तो यहाँ से मैं 14 इंच रख लूँगी इसको, 14 साढ़े 14। आप 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन रख ले, 13 पे सिलाई होगी मेरी और 1.5 इंच मैं इसमें सिलाई का मार्जिन ऐड कर दूँगी। तो इस निशान को इसके साथ मिला देना है और 2 इंच का निशान मैं यहाँ पर लगाऊँगी। इसको सीधा मिला दूंगी और इस तरह से इसको यहाँ से मैं थोड़ी गहराई में शेप दे दूंगी। तो ये हमारा लास्ट का निशान है, इस पर भी मैं कट लगा दूंगी। ऊपर वाले हिस्से की हमारी कटिंग हो गई। ये देखिए, ये गरारे का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको मैंने कुछ इस तरह से फोल्ड किया था। जितना इसका कपड़े का अर्ज खुला था उसको मैंने डबल कर लिया है। ये देखिए, एक साइड ये दो, ये मैंने 4 पीस टोटल 4 पीस बनाए हैं। 2 पीस ये हैं और ये वाले 2 पीस ये वाले हैं। तो इसकी मैं आपको लंबाई बताऊँगी कि मैंने कितनी रखी है। ये 23 इंच है, 1/2 इंच मेरा इधर से सिलाई में निकल जाएगा, 1.5 इंच मैं नीचे से इसकी फोल्डिंग कर दूंगी। तो फोल्डिंग के बाद ये मेरा 21 इंच टोटल मेरे पास बच जाएगा। इसकी चढ़ाई मैं आपको बताऊंगी कि इसकी चढ़ाई कितनी है। इसका जो अर्ज था वो मैंने पूरे का पूरा रख लिया है। तकरीबन 34.5 इंच एक साइड का इसका अर्ज है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से करूँगी, ये देखिए 2 पीस मैं इसके अलग कर लूँगी इस तरह से। तो अब इसको इस तरह से मैं दोनों को खोल कर पहले म्यानी की सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर दोनों साइड पर मैं म्यानी की सिलाई लगा लूँगी। दोनों साइड पर, तो ये देखिए दोनों साइड पर मैंने सिलाई लगा ली। तो अब इसमें मैं इलास्टिक डालूँगी। तो ये इलास्टिक मैंने फोल्ड कर लिया है। तो इसकी मैं आपको मेजरमेंट बता दूँगी। गर्मियों में इलास्टिक थोड़ी लूज़ ही डालती हूँ मैं, तो आप अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग आप इलास्टिक डाल सकते हैं, जितनी आप पहनना पसंद करते हैं। तो ये मैंने 11 इंच रखी है, 1/2 इंच इस तरह से मैं इसको ऊपर रखकर सिलाई लगा लूँगी। 1/2 इंच मेरी सिलाई में चली जाएगी। तो इलास्टिक डालने की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, तो वहाँ से प्लीज़ आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस तरह से रख कर इसको इस सिलाई लगाऊँगी और इसमें मैं इलास्टिक डालकर आपको दिखाऊँगी। तो देखें जी, मैंने इलास्टिक लगा ली इस तरह से। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि किस तरह से आपने इलास्टिक को लगाना है, बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ तक हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब इसको नीचे से मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने ये कट लगा लिया है। तो इसके जो नीचे वाले दोनों पार्ट थे जिसकी हमने फ्रिल बनानी है नीचे गरारे की, ये देखें इसके सेंटर में मैंने ये जॉइंट लगा लिया है। ये देखें जॉइंट लगाने के बाद, तो देखिए इस पर मैंने इस तरह से मोटे टंके से सिलाई लगा ली ताकि चुनट बनाने में आसानी हो। जब आपने एक सिलाई से चुनट बनानी हो तो आप कभी भी एक पैर की सिलाई ना लगाएं। अगर आप एक पैर की सिलाई लगाते हैं तो आप 2 सिलाइयाँ लगाएं। अगर आपने एक ही धागे से चुनट बनानी है तो थोड़ी 1/2 इंच की आप सिलाई लगाएँ, तो इससे बहुत आसानी से आपकी चुनट सेट होती जाएगी और बन जाएगी। तो ये मैंने तकरीबन 1/2 इंच की सिलाई लगाई है। नीचे वाला जो धागा हमारे मशीन के नीचे चलता है वो वाला धागा खींचूँगी, वो आसानी से खींच जाता है और चुनट बहुत अच्छे से बनती है। जो धागा खींच कर इस तरह से मैं सारी चुनट बना लूँगी। तो ये देखें, ये एक साइड की चुनट इस तरह से मैंने बराबर करके सेट कर ली है। सिलाई लगाऊँगी इसको।
तो देखिए इस तरह से मैंने ऊपर आकर इसके सिलाई लगा ली, कितनी प्यारी सारी चुनट बनी है। तो अब मैं इसको सीधा करके दिखाऊंगी आपको, ये देखें जी सीधी साइड। तो ये एक पाँचा बना हमारा इस तरह से, तो देखें इस तरह से ये एक साइड बनी, एक पाँचा बना हमारा। काफ़ी खुले फ्लेयर के साथ मैंने ये गरारा बनाया है, तकरीबन मीडियम साइज 3.5 और 4.25 के करीब मैंने बनाया इसको। इसी तरह से अब मैं दूसरी ये साइड भी रेडी कर लूँगी और इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। तो दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा कर मैंने सेंटर की सिलाई भी इसमें लगा ली, ये देखें इस तरह से। और काफ़ी इसका खुला फ्लेयर बनाया है, देखें नीचे से इसका फ्लेयर, नीचे से तकरीबन इसका 38-40 के करीब फ्लेयर बन गया है। और ऊपर से देखें इसकी लुक माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा, ये ईद के लिए या गर्मियों के लिए देखें तो गरारा किसी इवेंट पे आपने पहना हो तो उसके लिए बहुत प्यारा सा ये गरारा बन के रेडी हो। देखें इसकी लुक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।